के ठीक सामने जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये डीडीए की जो जगह है यानी कि एमसीडी की जो जगह है, यहाँ पर अवैध रूप से जो बिल्डर हैं वो अतिक्रमण लगातार कर रहे थे और लगातार यहाँ से शिकायतें मिल रही थी। तो देख सकते हैं आप, आज एमसीडी की जो टीम है उसने आकर कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये दिल्ली में आता है, सारा डीडीए की जगह है। और जो बिल्डर्स, इनका कहना है, जो बैठे हुए हैं वो सामने खोड़ा की जो हद लगती है, जद लगती है, उसमें बैठे रहते हैं। तो देखिए आप, आखिरकार एमसीडी की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है खोड़ा के ठीक सामने। जो दिल्ली की सड़क पर लोग अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे थे और कुछ बिल्डर्स हैं जो ईंट रोड़ी यहाँ पर उतार रहे थे, लेकिन लगातार जो शिकायतें मिल रही थी प्रशासन को, शिकायतों पर संज्ञान लिया गया है और आज एक टीम लगाई गई है। 12 तारीख है, पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर टीम लगाई गई है। अतिक्रमण लगातार खोड़ा के सामने जो दिल्ली की सीमा लगती है उस पर लगातार अतिक्रमण होता रहता है और शिकायतें ईडीएमसी को, डीडीए को जाती रहती है। तो टीम अलर्ट हुई और टीम यहाँ पर आई, माल उठाकर ले जाया जा रहा है। जो माल दिल्ली की सीमा में गिराया गया था, यानी कि एक तरीके से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पूरी टीम आई हुई है एमसीडी की, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और खोड़ा के ठीक सामने की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, पुलिस प्रशासन के साथ साथ। ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एनजीटी के जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। खोड़ा के ठीक सामने की मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आम नागरिक का निकलना मुश्किल हो गया है खोड़ा के जो भी लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से शिकायतें लगातार मिल रही थी, शिकायतों को संज्ञान में लेकर टीम कार्रवाई कर रही है। और 12 तारीख है आज, और 12 तारीख को जिस तरीके से टीम ने कार्रवाई की, आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी भी यहां पर खड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ ईडीएमसी यानी कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। खोड़ा के ठीक सामने की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। सबसे बड़ी विडंबना खोड़ा की यही है कि खोड़ा में लगभग 10 से 12 लाख की पब्लिक है और एनजीटी के जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं है। यहां से आम नागरिक का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जब प्रशासन की गाड़ी आती है तो कुछ लोग अपना जो माल है वो हटा लेते हैं और जो माल पड़ा हुआ प्रशासन को मिलता है, ईडीएमसी को मिलता है, एमसीडी को मिलता है, डीडीए के जो टीम आती है उसको मिलता है, वो लोग उस सामान को, उस माल को उठाकर ले जाते हैं, कार्रवाई करते हैं। ये किसी बिल्डर का जो है बदरपुर भी पड़ा हुआ था, उसको भी हटा लिया गया है। तो देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें, गजेंद्र भाटी गेट के ठीक सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बिल्डरों का बहुत ज्यादा नुकसान भी इसके अंदर हुआ होगा क्योंकि लाखों रुपए का माल उनका सड़कों पर पड़ा हुआ था, लेकिन जो डीडीए की टीम आई, ईडीएमसी की टीम आई, उन्होंने उस सामान को, उस जो भी डस्ट पड़ी हुई थी या चंबल पड़ी हुई थी या ईंटें पड़ी हुई थी, ईडीएमसी की टीम उसको उठाकर ले जा रही है।